हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी। ये बर्फी बनाते वक्त मावा, मिल्क पाउडर, मिल्कमेड किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बर्फी बनाएंगे। फिर भी हलवाई बनाते हैं वैसे सॉफ्ट और क्रीमी ये बर्फी बनेगी। चलिए सूजी की बर्फी बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक कप फाइन वाली सूजी, बारीक वाली सूजी, एक कप शुगर, हाफ कप घी, 3 टेबलस्पून दूध की मलाई, इलायची का पाउडर, थोड़े से नट्स, 1 टेबलस्पून बेसन, अगर चने की दाल का आटा है तो वो भी ले सकते हैं। चलिए बना लेते हैं सूजी की बर्फी। एक पैन लिया, फ्लेम ऑन किया, घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी 1 टेबलस्पून जितना रख देंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे, गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है। चने की दाल का जो आटा है वो ऐड कर देंगे। चने की दाल के आटे को 1 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे, हिलाते रहेंगे। 1 मिनट हो गई है, सूजी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। और अभी ये सूजी को कंटिन्यूस हिलाते हुए स्लो फ्लेम पे हम सेक लेंगे। सेकते वक्त ध्यान देना है कि हमें इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, लेकिन सूजी अच्छे से सीख जानी चाहिए। हिलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, जो घी हमने साइड में रखा था वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो गए मैं ये सूजी को सेक रही हूँ उसको। बहुत ही अच्छी अरोमा भी आ रही है इसकी सेकने की, और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। ये जो दूध की मलाई थी वो थोड़ी सी हिला लेंगे और ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिला लेंगे। यहाँ पे हम जो बर्फी बना रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ 8 दिन की है, लेकिन अगर ये बर्फी आपको ज़्यादा दिन बनानी है और कहीं लेके जानी है तो आपको उसमें मलाई नहीं ऐड करनी है, तो उसके बदले में आपको मिल्क पाउडर ऐड करना है। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है और ये स्टेज पे ही मिल्क पाउडर को ऐड करना है। 2 से 3 मिनट और रोस्ट कर लेंगे। मलाई डालने के बाद सूजी को 3 मिनट तक अच्छे से सेक लिया है। देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है। सूजी के ये बर्फी में मलाई डालने से ये बर्फी एकदम सॉफ्ट होगी और क्रीमी होगी। अब ये सूजी अच्छे से सीख गई है, गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी ये कढ़ाई है वो गर्म है। अभी हम चाशनी बना लेंगे। शुगर ऐड करेंगे, 1 कप शुगर है तो 1/2 कप पानी डालेंगे। पहले शुगर को मेल्ट कर लेंगे, हिलाते रहेंगे। शुगर सारी मेल्ट हो गई है और चाशनी में बॉईल भी आ गया है। अभी हम इसकी 1 तरह की चाशनी रेडी कर लेंगे। चेक कर लेंगे चाशनी को, देख सकते हैं 1 तार हो रहा है। हमारी चाशनी अच्छे से रेडी हो गई है, इसको नीचे ले लेंगे। अभी सूजी के मिक्सर वाली जो कढ़ाई है उसको मैंने गैस पे ले लिया है, अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। चाशनी को ऐड कर देंगे, इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम रखेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिक्सचर को थोड़ा सा और कुक कर लेंगे।
प्रकाश निकालने के बाद मैंने ये सूजी के मिक्सचर को 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अभी ये मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक हिलाते रहेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये बर्फी का मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। एक ट्रे लिए जिसको घी से ग्रीस कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से फाइन कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से फाइन कर लिया है। नट्स डालेंगे। दबा लेंगे और अभी इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अभी ये बर्फी में कट लगा लेंगे। एकदम इजीली कट हो रहा है। चलिए अभी ये सूजी की बर्फी को सर्व कर लेते हैं। बर्फी को सर्व करने से पहले मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। देख सकते हैं एकदम मस्त बनी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स रेडी है सूजी की बर्फी। मिठाई की दुकान से लाके सीधा सर्व किया हो ऐसी लग रही है ना। तो फ्रेंड्स एकदम सॉफ्ट क्रीमी माउथ मेल्टिंग और डिलीशियस ऐसी हमारी सूजी की बर्फी रेडी हो गई है। ये बर्फी बहुत ही फटाफट बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स भी हमें सारे घर पे ही मिल जाते हैं। छोटे बड़े सबको ये सूजी की बर्फी बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये सूजी की बर्फी आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।